गाइज कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज स्टार्टिंग में जो रील्स को प्रीव्यू में देखा वो रील्स काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आज हम अपने वीडियो में उसी रील्स को एडिट करेंगे। तो कपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है तो हमारे सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे, गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ से गाइज जिस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, एडिट करना है, उसको सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद आ जाएंगे हम यहाँ से कैपकट एप्लीकेशन में, तो वीडियो के इन में आ जाएंगे, यहाँ पे ब्लैक लेयर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। और जो वीडियो है इसमें स्लो मोशन ऐड करना है तो वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नॉर्मल पे क्लिक करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जितना आपको स्लो रखना है आप कर लेंगे। आप इधर की तरफ करेंगे तो आपका वीडियो स्लो होगा, तो मैं यहाँ पर 0.9 कर लेता हूँ और यहाँ से राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद फिर से बैक कर लेंगे और ऐड ऑडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और जिस वीडियो का ऑडियो चाहिए उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेंगे तो इसका ऑडियो यहाँ पे बाहर निकल कर आ जाएगा। फिर से आपको जो वीडियो ट्रेंडिंग में है उसको ओवरले में ऐड करना हो तो ओवरले पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ऐड ओवरले पे क्लिक करके गैलरी में आ जाएंगे। और इस वीडियो के एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद ये वीडियो जहाँ तक इसमें हेलो ब्लर ऐड किया गया वहाँ तक आपको वीडियो को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पे 3 सेकंड इतना आपको वीडियो पे आ जाना है और वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर से 4 सेकंड पे आ जाना है और यहाँ से आपको वीडियो को स्प्लिट कर देना है। फिर 5 सेकंड पे आ जाना है, यहाँ से आपको वीडियो को स्प्लिट करना है। फिर से 6 सेकंड पे आके यहाँ से वीडियो को स्प्लिट करना है। फिर 7 सेकंड पे आके स्प्लिट करना है और फिर 8 सेकंड पे आके स्प्लिट करना है। तो इतना पे आपको वीडियो को स्प्लिट करके ये जो वीडियो को हमने ऐड किया इस पर क्लिक करके इसे हमें डिलीट कर देना है। फिर से बैक कर देंगे और फर्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे और इसमें आपको हेलो ब्लर वाला इफेक्ट को ऐड करना है तो इफेक्ट वाला ऑप्शन में आ जाएंगे। आने के बाद वीडियो इफेक्ट पे आके आपको बेसिक वाला ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको हेलो ब्लर वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके राइट कर देंगे और फिर से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके इंटेंसिटी को फुल कर देंगे और स्पीड को आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। तो मैं यहाँ पर इसे 50 रखता हूँ और यहाँ से राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद ये जो छोटा छोटा हमारा वीडियो क्लिप है इसमें आपको एनिमेशन ऐड करना है। तो आपको वीडियो पे क्लिक करना है, एनिमेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉम्बो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉम्बो वाला ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको गाइस ये 6 नंबर वाला ऑप्शन को अपने सेकेंड वीडियो पर ऐड करना है। फिर से नेक्स्ट वीडियो पर आना है, यहाँ पर आपको 5 नंबर वाला को ऐड करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो पर आ जाएंगे, यहाँ पर 4 नंबर को ऐड करेंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे, 3 नंबर को ऐड करेंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो पे आके 2 नंबर को करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो पे आके यहाँ पे 1 नंबर को कर लेंगे। तो गाइस यहाँ से हमारा वीडियो रेडी हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। फिर से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे गाइस, यहाँ से हमारा वीडियो क्लिप गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगा।